जय हिंद फ्रेंड्स, आपका ई एजुकेशन पत्रिका पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना जो राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की है उसके बारे में, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके जो प्रॉफिट्स हैं, लाभ हैं, वो क्या है, ये इसके अंदर कौन कौन पात्र होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना राजस्थान 2023। योजना का नाम है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। आरंभ की गई थी ये राजस्थान सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। इसका स्टेट है वो राजस्थान है। घोषणा इसकी 10 फरवरी 2023 को बजट के दौरान हुई थी। इसका जो शुभारंभ है 6 सितंबर 2023 को हुआ। इसके अंदर प्रति पशु बीमा कवर है वो 40,000 रुपये है पर पशु पे, मतलब पर हेड 40,000 रुपये। और इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो दो पशुओं की है, दो पशुओं तक का ही मिलेगा, 80,000 रुपये। इसका उद्देश्य है पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसका लाभार्थी है वो राज्य के प्रत्येक पशुपालक या किसान होंगे। और इसका जो संपर्क या हेल्पलाइन नंबर है ये आपको दे रखा है। इसके बाद में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है, उसकी जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या है। इस योजना का प्रारंभ 6 सितंबर 2023 को किया गया। कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ भीलवाड़ा ज़िले के गुलाबपुरा से किया गया था। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को दो दुधारू पशु खरीदने पर 40,000 रुपये का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। हाल ही के दिनों में उत्तर भारत के अंदर जो लंपी त्वचा रोग के कहर से लाखों पशुओं की जान चली गई थी, ऐसे में पशुपालन क्षेत्र से जुड़े लोगों को लंपी वायरस से भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में पशुपालकों को राहत देने के लिए कई राज्य सरकारों ने राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने भी यह ऐलान किया है, पर हेड पशु पर 40,000 रुपये मिलेगा। इस योजना के जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या है। कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत राजस्थान के लोगों को ही प्रदान किया जाएगा। इसमें भी इसके पास कुछ होगा, यानी कि किसान या फिर पशुपालकों को ही इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। पशु बीमा क्लेम करने के लिए आपकी आयु मिनिमम 18 वर्ष होनी आवश्यक है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना केवल दुधारू पशुओं के लिए ही मिलेगी। जो पशु दूध देते हैं उनके ही लिए ही यह लागू होगी। आवेदन अधिक से अधिक दो पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। इस योजना का रजिस्ट्रेशन है आपको राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जो animalhusbandry.rajasthan.government.in पर जाके आप कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 पर आप क्लिक करके कर सकते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके बाद में एक नया पेज खुलेगा, वहाँ जाकर आपको आधार कार्ड और अन्य दूसरी भी जितनी भी जानकारियाँ आपसे पूछी जा रही है वो आपको भरनी है। इस योजना का जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या ज़रूरत होगी आपको, इसके अंदर आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पशु बीमा के कागजात, उसके बाद में राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसके जो बेनिफिट्स और जो विशेषताएं, लाभ और विशेषताएं वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा वित्तीय बजट 2023-24 के दौरान मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का आरंभ करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 20 लाख पशुपालन किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। किसानों को कामधेनु बीमा योजना के तहत पशु बीमा होने पर आर्थिक संबल प्राप्त होगा। इसके बाद में किसानों के प्रति दो दुधारू पशुओं पर 80,000 रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। सीएम कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रत्येक पशुपालक को 40,000 रुपये का बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट अलग से प्रावधान किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर ब्लॉक अथवा जिला पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 2023 के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगा। कोई भी बिचौलिया नहीं होगा, दलाल नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छी पहल है। और उम्मीदवार को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, जो 10 नंबर है। कामधेनु बीमा योजना के लागू होने से राज्य में गोवंश को बढ़ावा मिलेगा, दूध का उत्पादन, जिससे राज्य सरकार के किसान पशुपालन करने के लिए प्रेरित होंगे। और मुख्यमंत्री कामधेनु
बीमा योजना के माध्यम से राज्य में डेयरी प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी और राज्य में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।